मुझे सिर्फ बदतमीजी से प्रॉब्लम है। मुझे पसंद नहीं है कि पवित्रा 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 ऐसे उन्हें कोई बुलाए। मुझे एजाज भाई बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, एजाज बुलाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बदतमीजी से प्रॉब्लम है। और वो टोन से मुझे समझ में आ जाता है कभी कभी। और पैप्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फैंस की बात कर रहा हूँ मैं, आम जनता की बात कर रहा हूँ। तो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है यार, हम जो भी हैं उनके वजह से, उनके प्यार से हैं। अगर वो एक फ़ोटोग्राफ लेके मतलब एक दो महीना खुश हो जाए कि हमारे आइडल के साथ हमने फ़ोटो लिया, तो हम उतना तो कर ही सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ उधर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी बदतमीजी से प्रॉब्लम है। लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्शन चाहते हैं, इसीलिए बदतमीजी करते हैं। तो बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ता है। ओके सर, सो टॉकिंग अबाउट योर ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या धमाका होने वाला है आने वाले समय में? है, अभी फिल्म कंप्लीट की है मैंने पिछले महीने, अभी दिसंबर हो गया ना, और इस महीने शायद मैं नाटक करूं, प्ले करूं जैन मिड तक, और उसके बाद मिड जैन या एंड ऑफ जैन से दूसरी फिल्म शुरू होगी। फिल्म का नाम है गॉन केस, मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टर ने खुद डाला है सोशल मीडिया पे पोस्ट। एक ग्राफिक नॉवल है अमेज़ॉन पे, गॉन केस करके, बेस्ट सेलिंग है, उस पर आधारित है, और आई एम प्लेइंग द लीड प्रोटैगनिस्ट इन इट। उस पर साइबर क्राइम ऑफिसर हूँ मैं, अब पुलिस ऑफिसर ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक है जो बहुत जल्दी आएगा, और दूसरा तो मैंने दूसरे एक पोर्टल के लिए मैंने कह दिया है। मैंने पवित्रा ने एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट किया है, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। ओके सो सर, सिटी ऑफ ड्रीम में पुलिस का किरदार और यहाँ पे साइबर क्राइम, तो क्या सर आपको पुलिस से ही ज़्यादा लगाव है? क्या पुलिस का किरदार करने को काफ़ी अच्छा लगता है? अरे वैसी कोई बात नहीं है, मुझे गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के भी रोज़ अभी ऑफर किए गए थे, दे डिडंट वर्क आउट। This worked out. This is a very interesting role. मुझे strong characters automatically मिलते हैं। Having said that, अभी जो फिल्म मैंने की है वो character strong नहीं है, वो character gets manipulated by everyone. तो वैसे भी roles मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने अलग हो सकें, जितने challenging हो सकें, मैं वैसे किरदार निभाऊँ। बड़ा मुँह एक छोटा मुँह बड़ी बात होती है सब बोलना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे roles excite करें, मुझे roles inspire करें और लोगों को एंटरटेन करूं। ओके सो आने वाले समय में मैम के साथ कोई सॉन्ग या फिर गाना या ओटीटी प्लेटफॉर्म में? हम देख रहे हैं फॉर द राइट म्यूजिक वीडियो। मैं नहीं चाहता कि हम दो दिन में ऐसा ही म्यूजिक वीडियो उड़ाएं यार। मैं कर चुका हूँ, गाने कर चुका हूँ, म्यूजिक वीडियोज कर चुका हूँ, और पवित्रा के साथ पहली बार मैं करूँगा। वो भी चाहती है कि बहुत अच्छा हो, माइलस्टोन हो हम दोनों के करियर में। एक था वैसा, करने वाले थे हम, इट डिडंट वर्क आउट। तो एक तो और लोगों से बात हो रही है, लेकिन अभी तो हॉलीडे सीजन आ गया, शायद हम जान में कुछ करें बहुत जल्दी। एक वेब शो भी है। बहुत अजीब होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हो तो वो प्यार तकरार में कैसे काम करेंगे समझ में नहीं आता, लेकिन पवित्रा के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। बहुत मुझे पता नहीं था वो इतनी अच्छी एक्टर है, क्योंकि मैंने उनका काम नहीं देखा था। फिर वो रह रहे के मुझे बताती है अपने पास्ट के बारे में कि उन्होंने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, कैसे कैसे किया। तो आई ऑल्सो गेट वेरी एस्टॉनिश्ड। मुझे ब्रिलियंट एक्टर, बहुत मच्योर एक्टिंग करती है जब वो चाहे तो। आई थिंक एज अ प्रोफेशनल एक्टर ऑल्सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर एंड सी के क्या निकलता है। सर, टॉकिंग अबाउट सिटी ऑफ ड्रीम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी सिटी ऑफ ड्रीम्स, और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी पिक्चर्स आ रही है, सिनेमाघर पे जाना थोड़ा कम हो गया है, तो डू यू थिंक आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू अफेक्ट सिनेमाघर? पता नहीं किस हद तक करेगा, बट ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि पहले यार आप बहुत पहले जाओ तो संडे के दिन दूरदर्शन पर पिक्चर आता था, तो थिएटर में जाके देखते थे तो पिक्चर लगती थी। तो उसके बाद केबल आ गया, उसके बाद अभी ये प्लेटफॉर्म्स आ गए,
लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा इतना बन रहा है कि हर एक ऑडियंस चूज़ कर सकता है कि उनके कब कहाँ क्या देखना है। जैसे अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म निकली थी, नो टाइम टू डाई, फिर सूर्यवंशी वो निकली थी, तो वो सारे फिल्में मैं चाहता था कि मैं बड़े पर्दे पर जाके देखूँ, डून जाके देखूँ। आई डोंट थिंक वो कभी मरेगा, लेकिन कुछ हद तक ऑफकोर्स अफेक्ट होगा। ओके, सो रिसेंटली बड़े पर्दे पे एक बड़ी पिक्चर आई है अंतिम करके, सलमान सर की, सो क्या आपने देखी है? अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गेटी गैलेक्सी में जाके देखूँ। ओके, सो बिग बॉस 15 इज गोइंग ऑन, सो कितना फॉलो कर पा रहे हैं बिग बॉस 15 और कौन से फ्रेंड्स घर के अंदर है? यार मेरे कोई फास्ट फ्रेंड्स अंदर तो नहीं है, और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ रिएक्ट करके हेडलाइंस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं जनरली नहीं देख रहा, मेरे अपने रीजन से नहीं देखने के, मुझे उस यूनिवर्स से क्या होता है ना, वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि मैं अब भी जो कह रहा हूँ ना सिर्फ वो हेडलाइन बन जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता। There are a lot of other things that are also happening in my life. तो मैं सिर्फ उस यूनिवर्स से जुड़े रहना और उस पर ही विशेष टिप्पणी करना और रिएक्ट करते रहना, वो करते रहना नहीं चाहता, इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता। और सेकेंडली इस सीजन में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड सीनियर, जहाँ जाते हैं देबोलीना थी, रश्मि देसाई गई, लास्ट ईयर सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, पता नहीं और उस वक्त मुझे कैसे फील होगा, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, मेरी जर्नी तो बिग बॉस की खत्म हो चुकी है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट अदर रियलिटी शो, विल यू आर यू इंटरेस्टेड गोइंग एनी रियलिटी शो, झलक दिखला जाए तो यू कैन गो विद मैम, सो आप जाओगे? आई वुड लव टू, आई थिंक नजबलिया के लिए हमारी बातचीत भी चल रही थी, बट आई थिंक इट गॉट पुश्ड, आई वुड लव टू। यार फिटनेस एक लाइफस्टाइल चॉइस, एक सीजनल चॉइस नहीं है कि आप न्यू ईयर को एक रेजोल्यूशन बनाओ जनवरी में जिम जाओ 10 दिन के लिए फिर थक जाओ, नहीं, आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आप क्या उठा के अपने मुँह में डालते हो। अब ये समोसा साइड में पड़ा है, उन्होंने फोर्स किया था, नहीं तो मेरा मील अंदर पड़ा है, एग्स पड़े हैं, थोड़ी राइस और दाल पड़ी है, वो खा लूँगा मैं। तो एक ऑक्यूपेशन भी मेरा वो है कि मुझे फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है, हालाँकि मेरे इतनी इंजरीज हैं और फिलहाल तो लेफ्ट नी पर बहुत बुरी इंजरी हुई है मुझे, 1-2 महीने चलने नहीं हो रहा था, फिर रिहाब लेके मैं चलना शुरू किया, फिर 1-2 बार वापस गिर गया नहीं पे, तो इश्यूज चल रहे हैं। तो इतना फिट होने के बावजूद भी इंजरीज हो रही हैं और फिटनेस चैलेंजिंग हो रही है। अगर मैं अपने फिटनेस को, अपने वर्कआउट्स को, अपने रिहाब को सीरियसली नहीं लेता तो मैं कहाँ रहता, काम नहीं करते रहता, मैं चल भी नहीं पाता। तो मेरे लिए तो लाइफस्टाइल चॉइस है, मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा, यार जिस दिन आपको अंदर से लगेगा ना तो आप करना शुरू करोगे, बाकी दिखावा मत करो। इट इज़ बहुत ज़रूरी है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैं अभी एक दूसरे इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ और आई मेक माई बेड, सबसे पहले माई डिसिप्लिन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये नहीं कि मैं अल्ट्रा डिसिप्लिन आदमी हूँ और सब कुछ मेरे ज़िंदगी में डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहा है, बट आई चूज़ माई बैटल्स, कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी है, जैसे मैं अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए रात में नमाज़ पढ़ के ही सोता हूँ, उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, उससे मुझे लगता है कि मैं अपने दिन के गुनाहों को थोड़ा साफ़ किया हूँ। तो यार फिटनेस भी वैसा ही है, अगर आप करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, बाकी किसी कहने पर तो आप नहीं करो। मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मेरी ज़िंदगी मेरे साथ जी रहे हो। मैं अपनी ज़िंदगी 24 घंटे आपको नहीं दर्शा सकता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अपनी इज्जत को हमेशा बुलंदियों पर रखूँ और अच्छा काम करके आई कीप मेकिंग यू प्राउड ऑफ मी एज मच एज यू मेक मी। Thank you so much, sir. My pleasure.
अलग।